अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कश्मीरी बीफ मसाला। इसकी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैंने बीफ ले लिया है, 1.5 kg ले लिया है मैंने बीफ। और इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, 1 tablespoon पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1 tablespoon ही मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और 1 tablespoon ही नमक। इनको ऐड करके मैंने आधा घंटा पहले मसाला लगा के रख दिया था। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया 1 cup। इसके अंदर ऐड करेंगे जो अब हमने जो बीफ मैरिनेट किया है, इसको ऐड करते हैं। और हमने इसको पहले एक तरफ से कलर देना है, फिर दूसरी तरफ से कलर देना है, फिर इसको हमने निकाल लेना है। ऐसे ही करते हैं। ये देखें, ये एक साइड फ्राई हो गई है, ये ब्राउन ब्राउन सी हो गई है ना, बाकी अब साइड चेंज कर दी है तो इसका भी कलर ब्राउन करते हैं, फिर दिखाती हूँ। ये देखें, बीफ का दोनों साइडों से कलर अच्छा आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं वापस। बीफ सारा निकाल लिया है। अब इसके पानी के अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे 1 tablespoon, साथ ही प्याज ऐड कर देते हैं। और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच हमने ये ऐड कर दिया है। अब इसको तीनों चीज़ों को फ्राई करते हैं। ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर टमाटर पेस्ट ऐड करते हैं जो कि ग्राइंड किया था। अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 tablespoon, साथ ही ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 tablespoon, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 tablespoon और ज़ीरा पाउडर 1 tablespoon और गरम मसाला 1 tablespoon, हल्दी ऐड करेंगे 1 tablespoon, साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 tablespoon। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, साथ ही दही ऐड कर देते हैं। तकरीबन 1/2 cup हमारी दही थी। बादाम का पेस्ट भी साथ ही ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब दूध भी साथ ही डाल देते हैं। चलिए जी, अब इसको पकाते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर बीफ ऐड करते हैं। ये देखें, हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हमने इसका पानी खुश्क करना है और फिर ऑयल ऊपर आता है, फिर बताती हूँ। फिर गार्निश करेंगे बस हरा धनिया, हरी मिर्चें और डिश आउट करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, गार्निश करते हैं धनिया और हरी मिर्चों का। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है कश्मीरी बीफ मसाला। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये बहुत ही लजीज लग रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।